श्री कृष्ण भगवान दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे ना? बड़े होंगे? आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटो को ढेर सारा प्यार। मैं ललिता आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गाँव और पहाड़ से। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था 4-5 दिन से, तो आज थोड़ा धूप निकली है और शायद जो है पहाड़ों में जो है इंद्रधनुष दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है हल्की हल्की में, क्योंकि बादल ज़्यादा लगे हैं, थोड़ा हल्की हल्की बारिश भी हो रही है ना, तो इंद्रधनुष जो है कम दिख रहा है इस समय। पहाड़ों में जो है ना 4-5 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आज बड़ी मुश्किल से साफ हुआ है, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल आ रही है। वो शहर जो है इंद्रधनुष भी दिख रही है इसमें, लेकिन हम इसमें कम दिख रहा है, हल्के हल्के दिख रहा है इसमें इंद्रधनुष। अच्छा, वो जो है ना दवाई के बारे में बता रहे थे, पथरी की शिकायत बहुत रहती है बहुत ज़्यादा लोगों को पेट में, तो उसके दवाई के बारे में बता रहे थे। वो दवाई का नाम है ना पत्थर चट्टा बोलते हैं मेरे बारे में। तो उसका पौधा ये है, इसमें छोटे छोटे फूल खिले हैं और इसके पत्ते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये पत्थर चट्टा का पौधा है यह, जो इसमें छोटे छोटे फूल खिलाए हैं गुलाबी रंग के। ये फूल तो किसी भी काम के नहीं आते हैं, इसके जो पत्ते हैं ये पत्थर के काम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये पत्ते को तोड़ना और उसके बाद बारीक करके पीसना है उसको सिलबट्टे में, तो उसका रस अलग निकाल देना है और जो पत्ते का गुदा अलग रहता है उसको निकाल देना है, बाहर फेंक देना है, जो रस होगा उसको पी लेना है थोड़ा सा पानी में मिला के। तो चलने का सा तैयार करते हैं पत्थर चट्टा, पत्थरे के लगने में जो काम आते हैं देखते हैं, शुरू करते हैं। मेरे दोस्त तैयार करे हैं ना, देखते हैं आप कैसे शुरू करते हैं इसको, पूरा तैयार करके बताऊँगे और कैसे काम आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया है इसको, हाँ ठीक हुआ, बाजार की दवाई तो लिखी नहीं आती है, इसी से ही काम चल जाता है। मैंने भी एक बार यूज किया है इसको, तो उसके बाद से नहीं हुआ है मुझे। तो चलिए इसको तैयार करते हैं ना, सिलबट्टे में पीस के जो है बारीक पीसना होता है इसको, पहले सिलबट्टे में तो नहीं पीसता, अलग पत्थर में पीसना पड़ता है इस पर। सिलबट्टे में शायद उसमें मसाले पीसने होते हैं ना तो ख़राब हो जाएगा, तो अलग पत्थर में पीस रही है इसको, बारीक बनाना पड़ता है जैसे पीस रही है। और उसे बहुत ज़्यादा निकलता है इसमें पानी में ना, पानी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें पीसते टाइम, फिर तो ऐसे पीसना हुआ, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है इसमें, पानी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें पीसते टाइम, फिर तो ऐसे पीसना हुआ, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है इसमें, हो गया बारीक बनाना होता है इसको, तो इसमें डाल देती हूँ वो पानी को निकल रही, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है इसमें। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा पानी मिलाना होगा ना उसमें, तो उसको फिर छान देना है छन्नी से, इतना है ये, ये हो गया पानी से दिखा, इन्हें पानी निकाल रखा है इसमें, बहुत फायदा हो गया इसे, उसको डाल दिया इसमें। अब छान रहे हैं उनको, छानना पड़ेगा उसको लोटी में, उसके बाद तो गुदा लगा देना है और पानी जो है उसको पीना होगा, पानी को सुबह सुबह उठ के जो है ना खाली पेट ही इसको सेवन करना होता है, खाना खाने के बाद ही खाली पेट पीना होता है इसको। ये देखिए तो अभी मैं पी रही हूँ इसको, देख रहे हैं गिलास में, तो मैं भी थोड़ा पी लूँ इसको, अभी मैंने खाना खा रखा है, मतलब जिसको पत्थर होगी ना उसको खाली पेट ही सेवन करना पड़ेगा इसका। वो पेट में पत्थरी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है ना लोगों को, तो इसी के पत्ते का सेवन करना है, एक महीने में पूरा पत्थर साफ हो जाएगा इसे, बाजार से हॉस्पिटल से जो है दवाई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी होती है ऐसे उत्तराखंड में, तो उसमें से जड़ी बूटी ये भी है, तो इसी का सेवन करना आप लोग, जब किसी को पत्थर की शिकायत रहेगी ना तो इसी का सेवन करना होगा। ये मुझे भी बहुत ज़्यादा होती थी,
लेकिन हर बार मैं हॉस्पिटल जाते थे क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में। जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैंने इसे पत्ते का सेवन किया था, उसके बाद से मुझे जो है कभी पत्ते की शिकायत नहीं रही फिर। और अब डर भी लगती है पत्थर से, बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होते हैं ना पेट में से पत्थरे में। जब मैंने इस दवाई का सेवन किया तो एकदम से आराम भी बहुत ज़्यादा मिल गया था। सिर्फ एक हफ्ते में ही फायदा हो गया था मुझे इसे। तो जो है ना बाजार के हॉस्पिटल की दवाई से जो है इसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो आप लोग भी इसे का सेवन करना और अपने घर में सब लोग जो है इसे पौधे को लगाना है। इसका नाम है पत्थर चटा, हमारे पहाड़ी इलाके में जो इसको पत्थर चटा बोलते हैं। तो अब मैं भी लगाऊंगी इसको अपने घर में। कैसा लगा आप लोगों को दवाई के बारे में? बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती हैं, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। अभी भी जानते होंगे भाभी जी, जानते होंगे आप इसके बारे में? हाँ। अच्छा, तो आपने भी सेवन किया होगा इसका? जानती हूँ, आपको तो होता ही नहीं होगा। अभी जो है ना वीडियो में पूरे अच्छे तरह से दिखा रही हूँ मैं इसके पौधे को, ये कैसे होते हैं। इसके छोटे छोटे फूल खिले हैं इसमें और दाने जैसे, और पत्ते जो हैं इसके बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। और इसमें एलोवेरा का पौधा भी लगाया हुआ है। तो यह है पत्थर चटा का पौधा है। आप लोग भी जो है अपने घर में लगाइए और पत्थरे के इलाज में बहुत काम आते हैं। वो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को इसे। यह तो आगे भी जो है ना मैं कभी कभी ऐसे कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताते रहूँगी। तो आज मैंने पत्थर चटा के बारे में बताया है, तो अब आगे आने वाले टाइम पर मैं कभी कुछ बताते रहूँगी। तो अभी यहीं पर ब्लॉग समाप्त करती हूँ। बाय बाय।